नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा, इन दोनों को लेकर एक बार फिर विवाद है। विवाद ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर। उन्होंने कहा है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा मोदी जी का प्रचार करते हैं या फिर कथा करते हैं। एक ट्वीट में उन्होंने बड़े अदब के साथ, अच्छी हिंदी के साथ उन्होंने वार किया है पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर। इस ट्वीट को दोस्तों आप पढ़ लीजिए, हम स्क्रीन पर इस ट्वीट को लगा देते हैं, आपके लिए लगा देते हैं और जनता के लिए लगा देते हैं। इन्होंने एक लिंक भी पेस्ट किया है इनके ट्वीट के साथ जो 11 महीने पुराना है। इसमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथा के दौरान हिंदू और नरेंद्र मोदी को जोड़कर कुछ कह रहे हैं। आप खुद सुन लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये जो ट्वीट है ये कहाँ तक सही है? दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी मध्य प्रदेश के हैं और दिग्विजय सिंह जी भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो दिग्विजय सिंह को कहाँ तक ये शोभा देता है कि वो मध्य प्रदेश के एक महान संत के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर भक्ति को राजनीति में घसीटा जाएगा, राजनीति में लाया जाएगा, तो कौन सा संत अपनी छवि खराब करने के लिए सर राजनीति करेगा? कौन सा संत अपनी छवि खराब करने के लिए इतने अच्छे लेवल पर लोगों को भक्ति से जोड़ेगा? पंडित प्रदीप जी मिश्रा क्या गलत कर रहे हैं? लोगों को मंदिर जाना सिखा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, या फिर अपनी कथा में हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं? आखिर क्या गलत कर रहे हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा? ये दिग्विजय सिंह जी को जवाब देना होगा और जनता को जवाब दीजिएगा। सर, आप हमेशा हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व के विरोध में ट्वीट करते हैं, इससे मेरी बड़ी नाराज़गी है। सर, हम किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के नेता जो कि दिग्गज हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मध्य प्रदेश के महान संत के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो सर क्या कहिएगा, क्या कहिएगा उस नेता के बारे में? जनता भी सुन रही है सर, जनता भी देख रही है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर। ये जो कटाक्ष है ये कटाक्ष नहीं है, हम कहते हैं कि हिंदू विरोधी कटाक्ष है। और हमने ही नहीं कहा है सर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह जी की पुरानी आदत है कि वो संतों का अपमान करें, तो इसको अपमान के तौर पर क्या जनता भी लेती है? आज जनता कमेंट में जवाब दीजिएगा, आप लोगों की बारी है। और आप लोग अगर जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर शायद दिग्विजय सिंह जी उस ट्वीट को हटा दें या उस पर माफ़ी मांग लें, क्योंकि इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाना किसी संत को कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो सर हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि इस संत का घोर अपमान आपने किया है। उन लोगों का अपमान किया है जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा को फॉलो करते हैं, उनको उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके कहने पर सुबह मंदिर जाते हैं, उनके कहने पर भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। और सर आपने एक ट्वीट में कह दिया कि कथा कर रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं, वाह, क्या कहें सर आपके बारे में? आपके तो कई सारे ट्वीट्स वायरल होते हैं और फिर आप बोलते हैं मीडिया वालों को कि मीडिया वाले तोड़ मरोड़ कर हमारे ट्वीट को पेश कर रहे हैं। तो सर आप ही का ट्वीट है सर, आप खुद पढ़िएगा। आपने पंडित प्रदीप जी मिश्रा के लिए सम्मानजनक भाषा का उपयोग किया है, लेकिन उस भाषा के पीछे का जो चंचलपन था वो सम्मानजनक नहीं था सर, वो एक राजनीतिक ट्वीट था। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा इस पर शायद जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि फिर चक्कर ये हो जाएगा ना कि लोग सोचेंगे कि फिर पंडित प्रदीप मिश्रा चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए आप राजनीति के खिलाड़ियों को रिप्लाई कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं। तो जनता जवाब देगी कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऊपर जो दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट कहाँ तक सही है। वो ट्वीट अगर गलत है तो क्यों गलत है ये भी जनता बताए, अगर वो ट्वीट सही है तो क्यों सही है ये भी जनता बताए, लेकिन भाषा की मर्यादा में रहकर बताए।
कोई भी किसी को अपशब्द ना बोले। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि अगर कोई हम पर कीचड़ उछालता है तो हमें कीचड़ नहीं उछालना है, हमें उसके ऊपर गुलाल उछालना है, ताकि वो जीवन में याद रखे कि कोई एक व्यक्ति था जिसके ऊपर मैंने कीचड़ उछाला था और उस व्यक्ति ने बदले में मेरे ऊपर गुलाल उछाला था। तो ये हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। इसलिए हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा बोल रहे हैं, इसलिए हम दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं, हमने बोला है। और सर किसी पत्रकार को जी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमारे लिए सम्मानित है और हम इसमें खुले मंच से उनका सपोर्ट करते हैं, खुले मंच से बोलते हैं कि वो हमारे सम्मानित है और हमारा जो परिवार है उनके बताए हुए मार्गों पर चलता है। और सर आपसे भी निवेदन है कि सर आप भी मंदिर जाया कीजिए, उनके कहने पर सर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ के मंदिर आप जब भी जाएं सर, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जल चढ़ाना सिखाया है कि किस तरह से जल चढ़ाया जाता है, तो दिग्विजय सिंह जी उस तरह से जल चढ़ाइएगा तो शायद कुछ पुण्य आपको मिले। और आप भी हिंदू हैं सर, आप क्यों ऐसा करते हैं? और अगर मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री ही मध्य प्रदेश के महान संत के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेगा तो उस संत की राष्ट्रीय लेवल की जो छवि बनी हुई है वो आप किस लेवल पर ले जा रहे हैं? लोग क्या सोचेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री ही इज्जत नहीं कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की? आपको तो सर उनका सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। आपको पता है सर कि लंदन में उनका नाम दर्ज हुआ है? अगर नहीं पता है तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल को स्क्रॉल करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या उन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अवार्ड उन्हें भोपाल में मिला है सर। और जनता बताएगी हमें कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर ये जो ट्वीट है ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्योंकि हमें तो पूर्णतः गलत लगा, बाकी जनता को कहाँ तक सही लगा कहाँ तक गलत लगा जनता खुद बताएं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को राजनीति में ना घसीटे, एक अंतिम अपील मेरी है कि आप उन्हें राजनीति में ना घसीटे सर, राजनीतिक ट्वीट उनके ऊपर ना करें। वो धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, उन्हें धर्म को बचाने दीजिए, उन्हें धर्म का प्रचार प्रसार करने दीजिए तो बेहतर होगा और लोग भी उनकी बात मानते हैं। आप आने वाले समय में दिग्विजय सिंह जी आपका बेटा या आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, तो आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा के फॉलोवर को शायद जानते नहीं होंगे कितने तगड़े हैं, हमारे चैनल पर उन्हीं के फॉलोवर हैं, तो उनके चाहने वाले इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ज़रूर कहें। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर ये जो ट्वीट है ये कहाँ तक सही है ये कहाँ तक गलत है ये भी ज़रूर बताएं, आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर की गई ये टिप्पणी जो है वो हम तो गलत मानते हैं, बाकी आप लोग पता नहीं गलत माने या ना माने, ये शायद वो डिलीट कर दे दिग्विजय सिंह जी। बाकी दोनों सम्मानित हैं, दोनों के लिए सम्मान है दिल में, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत कहने में गुरेज नहीं करेंगे, जो गलत है वो जनता के सामने रखने में गुरेज नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।